हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। मेरा नाम है कपिल गोयल। तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि CUET PG का रिज़ल्ट आ जाने वाला है, और जैसा कि UGC के चेयरमैन ने इन्फॉर्मेशन दी थी कि कल शाम यानी कि आज 26 सितंबर शाम 6 बजे तक रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। हालांकि थोड़ी देर पहले मैंने साइट चेक की थी तो साइट जो है NTA की वो क्रैश हो गई है। होपफुली जल्दी ही ठीक हो जाएगी, तो रिज़ल्ट के जो लिंक है वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या NTA का स्कोर कार्ड जो रहेगा उसका मतलब क्या रहेगा और जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्या रहेगी। तो कई लोगों के क्वेश्चंस भी थे कि जो NTA स्कोर होगा उसका क्या मतलब होगा और जो PG एडमिशन प्रोसेस है वो कैसे रहेगा, तो उसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ, और जो लोग चैनल पर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जो NTA का स्कोर है उस स्कोर का क्या मतलब रहेगा, है ना। अभी मैं बात कर रहा हूँ NTA स्कोर का। तो जिस तरह से बाकी जितने भी जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उनके स्कोर कार्ड निकलते हैं, जैसे गेट का एग्ज़ाम होता है तो गेट का स्कोर कार्ड निकलता है, इसी तरह से जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं, किसी ने अगर IIT नीट के एग्ज़ाम दिए होंगे या आप नॉन टेक्निकल हैं तो भी आपने जो एग्ज़ाम दिए होंगे तो उनके जो स्कोर कार्ड होते हैं उसी तरह से NTA का भी एक स्कोर कार्ड आएगा। और ये जो स्कोर कार्ड है, ये स्कोर कार्ड केवल और केवल एकेडमिक ईयर 2022 और 3 के लिए वैलिड रहेगा फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन। यानी कि यूनिवर्सिटीज़ जो एफिलिएटेड हैं इस CUET PG एग्ज़ाम से, उनमें एडमिशन के लिए ये जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा, अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ की जो कट ऑफ है उसको क्लियर करते हैं तो। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस स्कोर कार्ड को और कहीं भी चलाएं। तो NTA ने साफ साफ ये क्लियर कर दिया है कि ये जो स्कोर कार्ड है केवल और केवल एक साल के लिए वैलिड है और ये एडमिशन पर्पज़ के लिए काम में आने वाला है। दूसरी बात क्या है, ये जो स्कोर रहेंगे या कैंडिडेट का जो भी डेटा होगा, है ना, जो भी स्कोर होगा, जो भी कैंडिडेट का डेटा होगा, वो उस यूनिवर्सिटी के साथ शेयर कर दिया जाएगा जहाँ पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है वो कॉमन एडमिशन प्रोसेस नहीं होने वाली, यानी कि एक कॉमन कोई सेंट्रल साइट बन गई है जहाँ पर सभी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कट ऑफ क्लियर होती जाएगी, आपको ऑटोमेटिकली एडमिशन मिलता जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको इंडिविजुअली हर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है। अगर आप वहाँ पर क्लियर कर रहे हैं उस कट ऑफ को तो आपका जो भी डेटा है यहाँ जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, वहाँ पर NTA आपका जो स्कोर है और जो आपका डेटा है उसको खुद ब खुद क्या कर देगा, शेयर कर देगा। दूसरी चीज़ हो गई है, ठीक है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है एडमिशन प्रोसेस के अंदर, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा भी। आप चाहे तो इस वीडियो को जब आप देख रहे होंगे तो इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये NTA की साइट से ही मैंने लिखे हुए हैं, है ना। तो आप चाहें तो NTA की साइट पर, ये वहाँ पर भी पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट अगर आप बात कर लें तो ये जो स्कोर कार्ड है, इस स्कोर कार्ड में एज वी नो कि हमारा जो पेपर हुआ था उसके दो सेक्शन थे, एक सेक्शन वन था, एक सेक्शन टू था। सेक्शन वन के अंदर हमारे पास क्या था, एप्टीट्यूड वाला सेक्शन था जो लगभग सभी के लिए था, और सेक्शन टू जो था वो डोमेन स्पेसिफिक था, यानी कि कोई केमिस्ट्री से है, कोई फिजिक्स से है, है ना, कोई मैथ से है, तो वो डोमेन की नॉलेज थी, यानी कि जो भी आप स्ट्रीम से रिलेटेड हैं उसकी नॉलेज थी। तो ये जो स्कोर कार्ड है कम्बाइंड नहीं बना है, इसके अंदर दोनों सेक्शन है, सेक्शन एक भी है और सेक्शन दो भी है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, क्यों दिए हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। वो इसलिए दिए हुए हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन कट ऑफ है वो अलग अलग रहेगी। तो यूनिवर्सिटी क्या क्राइटेरिया बनाती है, यानी कि जब वो अपनी कट ऑफ निकालती है तो उसमें वो सेक्शन वन को भी कंसिडर करती है, सेक्शन टू को केवल कंसिडर करती है, या सेक्शन वन और टू दोनों को कंसिडर करेगी, ये टोटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर JNU की हम बात करें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है वो सेक्शन वन को तो बिल्कुल कंसिडर नहीं करती, वो केवल और केवल किसको कंसिडर करेगी, सेक्शन टू। तो इसी तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटी, हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी दोनों को कंबाइंड करके फिर एक कट ऑफ निकाले, हो सकता है कि कोई यूनिवर्सिटी सेक्शन वन को ले, तो ये डिपेंड करेगा कि यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ किस हिसाब से बनाती है। इसलिए NTA ने दोनों सेक्शंस जो है उनकी जो स्कोर है वो स्कोर कार्ड में अलग अलग मेंशन किया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं।
जो भी फाइनल मार्क्स आए हैं वो बेस्ड है फाइनल जो आंसर की आई थी उसके बेस पर। उसके अलावा कोई भी सोर्स से अगर आप अपने आंसर मैच करा रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे इतने मार्क्स बनने चाहिए, तो वो वैलिड नहीं होगा। NTA की जो फाइनल आंसर की आ गई वही मान्य होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपके जो मार्क्स हैं वो आए हैं। ठीक, अगर कोई स्ट्रीम है जिसके अंदर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हुए हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ, मान लो आप ज्योग्राफी से हैं, तो ज्योग्राफी के अंदर 3 शिफ्ट के अंदर पेपर हुए हैं, तो उस केस में जो आपका स्कोर कार्ड बनेगा उसमें NTA क्या करेगा, आपका जो स्कोर निकालेगा वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से निकालेगा। उस नॉर्मलाइजेशन का उनका एक अपना अलग फॉर्मूला है, तो उसके लिए उतनी हमें हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी जहाँ पे भी आप अप्लाई करेंगे जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे वो अपने आप ही आपका जो वो NTA स्कोर है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये केवल उन लोगों के लिए है जिनके मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पेपर हुए थे, यानी कि जिन स्ट्रीम्स के अंदर बहुत सारे बच्चे थे और उन बच्चों के लिए मल्टीपल पेपर हुए थे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, NTA स्कोर की। क्या क्या बात हो गई एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ। पहला क्या था कि केवल अकेडमिक सेशन 2022 और 23 के लिए एप्लीकेबल रहेगा। डेटा आपका जो NTA है यूनिवर्सिटी का, जो रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी है उसके साथ क्या कर देगा, शेयर कर देगा। उसके बाद जो स्कोर कार्ड है उसमें जो सेक्शन फर्स्ट और सेकंड सेक्शन सेकंड है उसका स्कोर भी मेंशन रहेगा। यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगी कि वो सेक्शन 2 को भी कंसिडर कर रही है या 1 को भी कंसिडर कर रही है, अपने स्कोर अपने जो कट ऑफ लिस्ट निकालेगी उसमें। जो फाइनल जो आपका स्कोर कार्ड आया है उसमें जो स्कोर कंसीडर किए गए हैं वो बेस्ड हैं, वो फाइनल आंसर की के बेस पर है। उसके अलावा आप कोई भी सोर्स से चैलेंज कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं होगा। अगर आपने मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पेपर दिया है तो आपका जो NTA स्कोर कार्ड बन के आएगा वो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू बन के आएगा। तो ये तो बात हो गई NTA स्कोर की। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो कमेंट पे लिख के वो भेज सकता है। अब बात करते हैं कि एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है। एडमिशन के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहली बात तो अगर आपने CUET का एग्ज़ाम दिया है, यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन भी मान सकते हो आप NTA के, अगर आपने CUET PG का एग्ज़ाम दिया है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको राइट मिल गया एडमिशन का या आपका किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो गया। ठीक है, वापस बोल देता हूँ, अगर आपने CUET PG का एग्ज़ाम दिया है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल गया। हालांकि किसी ना किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल ही जाएगा अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी NTA ने अपनी तरफ से ये क्लियर कर दिया है। उसके बाद सिलेक्शन की जो भी प्रोसेस है, एडमिशन की जो प्रोसेस है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगी, यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जितने भी आपको जो भी आपको अप्लाई करना है जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो यहाँ पर सेंट्रल काउंसलिंग नहीं होने वाली है। यहाँ पर डिपेंड जो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आप 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो 4 यूनिवर्सिटीज़ के ही अलग अलग फॉर्म डालेंगे। जिस तरह से IITs या जो अदर जो कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए सेंट्रल काउंसलिंग होती है कि एक बार फॉर्म भर दिया उसके बाद कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज जो हैं वो अलॉट होते रहते हैं, तो वैसा नहीं है। यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, वो क्या कट ऑफ निकालता है, उसकी क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगी, तो वो डिपेंड करेगा टोटली उस यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके लिए आपको उस यूनिवर्सिटी की साइट को कंटिन्यूसली विजिट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ रहेंगी उनकी जो इन्फॉर्मेशन है मैं यहाँ डाल दूंगा, और यहाँ से अपडेट पता करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर वापस से वही चीज़ लिखी हुई है कि एडमिशन प्रोसेस है वो जो टोटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, और जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ है वो टोटली इसको हैंडल करेंगे। जो भी क्वेरीज होगी स्टूडेंट्स की, उस सभी क्वेरी को सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको जाकर जो भी आपके FAQs हैं वो आप वहाँ पर आपके आंसर मिल जाएंगे। फिर आप कहीं पर एडमिशन ले लेते हैं या एडमिशन के लिए फ़ीस ट्रांसफ़र करते हैं, कैंसिलेशन कराते हैं, कन्वर्जन कराते हैं, तो NTA का इससे कोई लेना देना नहीं है। NTA का काम था सिर्फ एग्ज़ाम कराना, NTA ने वो एग्ज़ाम करा दिया,
आपका रिज़ल्ट निकालना। हालांकि रिज़ल्ट अभी आया नहीं है क्योंकि साइट क्रैश हो गई है, तो हो सकता है कि अगले 2-5 मिनट में या घंटे 1.5 घंटे में वो रिज़ल्ट आ जाए। ठीक है, तो ये थी स्कोर, जो NTA स्कोर है उसका क्या मतलब रहेगा, कैसे उसको पढ़ा जाएगा, PG एडमिशन प्रोसेस क्या रहेंगे, इसके अलावा भी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। और अगर आपको भी जानना है तो आप जो भी रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनकी साइट्स विज़िट करते रहिए। साइट्स विज़िट नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट डालता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।